रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए, बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सारा भूत भागेगा कहां, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा कहां। यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई, ये आदिवासी लोग अलग राज लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाजहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5-स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुना, ये करें तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए, अध्यक्ष महोदय बड़ा विचित्र स्थिति है। अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर झारखंड के परिपेक्ष के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, विशेषकर झारखंड में तो यहां के खनिज संपदाओं को जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उनको गुजरना पड़ेगा, और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े, उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह करके गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, ये आपने ईडी और CBI को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी बच्चों परिवारजनों के खाता बही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई है। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही का
कहानी है, एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हस होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास, क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हो सकता है मेरा भी यही असर करे। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प, ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोग पीछे, हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है, तो हमने ईडी वाले से पूछा क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है। उन्होंने ये भी कहा नहीं, सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह, तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के कैबिन में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है, अभी तो गवर्नर हाउस का कोरम पूरा हो गया, अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे। 150-200 सांसदों का निलंबन, क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति देश में, और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर आपने आपको आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और 32 पेज का इन्होंने अभिभाषण पढ़ा, हम लोग लाख चिल्लाते रहे, अध्यक्ष महोदय अभिभाषण पढ़ के क्या होगा जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। आज हर चीज पिछले दरवाजे से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है, और वक्त फिर गुजरे फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे, और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा
वो करते रहेंगे। धन्यवाद। मान्य सदस्य, मान्य नेता प्रतिपक्ष, मान्य नेता प्रतिपक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी को जोहार, राम राम। नए मुख्यमंत्री पद को धारण करने वाले आदरणीय चंपई सोरेन जी को बहुत बधाई।